सिद्धि की है और मेरी एज 45 इयर्स है। फर्स्ट टाइम मैंने अल-खलीज क्लिनिक्स के बारे में वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, और वहाँ से मुझे डॉक्टर सादिया का रेफरेंस मिला और मैंने डिसाइड किया कि डॉक्टर सादिया से मिला जाए और उनको दिखाया जाए। कुछ मुझे प्रॉब्लम्स थी दांतों में, तो मैं यहाँ आया और डॉक्टर सादिया ने चेकअप किया, सारी डिटेल्स मुझे बताई, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत मुतमईन हूँ उनके ट्रीटमेंट से। चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है डॉक्टर सादिया से ट्रीटमेंट करवा के, या इस दौरान एक तो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहा ओवरऑल, और फिर जिस तरह से यानी ट्रीटमेंट के बाद भी फ़ोन पे अटैच रहना, कॉल करना और बुलाना, ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी इम्प्रेसिव थी। और मतलब ये फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान में ऐसा यानी ऐसी चीज़ें मिली देखने को जो पहले मेरी उसमें नहीं थी, तो ये एक चीज़ें जो यानी दूसरों से मुख्तलिफ करती है अल-खलीज को या डॉक्टर सादिया को दूसरे लोगों से, तो ये चीज़ बड़ी यानी बहुत एक अट्रैक्शन रखती है अपने अंदर। एडवाइस मैं ये करना चाहूँगा दूसरे अपनी तरह के पेशेंट्स को कि वो अर्ली ट्रीटमेंट करवा लें, और इससे पहले कि आपके खर्चात जो हैं वो बढ़ते जाएं और आप एक महंगे सफ़र की तरफ चल पड़े, तो बेहतर है कि आप वक्त पे अपना ट्रीटमेंट करवा लें और इन बड़े खर्चों से बच सकें। क्योंकि मैंने अपनी बोन ग्राफ्टिंग और ये सारी चीज़ें करवाई हैं, तो ये इसीलिए हुई है कि मैं लेट यहाँ तक पहुँचा, तो अगर आप अर्ली आ जाएंगे तो बहुत सारे अपने केस में जैसे पेन कम अज़ कम फील वाकई नहीं किया। हाँ, लेंदी प्रोसीजर्स बहुत थे, थका देने वाले प्रोसीजर्स थे, लंबा था ट्रीटमेंट, लेकिन ये कि पेन और इस दूसरी चीज़ों को काफ़ी हद तक कवर अप किया डॉक्टर सादिया ने। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर सादिया फॉर दिस ट्रीटमेंट।